हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जे एसएससी वाला। कैसे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग एग्ज़ाम बहुत अच्छा तरीके से गया होगा। अब तो एग्ज़ाम लास्ट ही है कल, तो ठीक है, सिविल का तो खत्म हो गया शायद, ठीक है। एक दो दिन का एग्ज़ाम पता नहीं कौन सब्जेक्ट का है, उन लोग का दूसरा सब्जेक्ट है शायद मेरे ख्याल से, बाकी पता नहीं, पता चल जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग का एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकता है, सेफ स्कोर देख लेते हैं, ठीक है। देख दोस्तों, इसमें जो कटअप बताने वाला, थोड़ा सा जनरल कोपन हो सकता है, नहीं कह सकते, लेकिन ओबीसी ईडब्ल्यूएस एसटीएससी का कटअप हूबहू देखिएगा, ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी जनरल का थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखिए मेरे पास उतना कैंडिडेट तो है नहीं, ठीक है। कुछ कैंडिडेट के हिसाब से बात कर रहे हैं, जितने लोग से पूछे सब लोग इतना ही बता रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि खुद से बना सोचे बना दे, नहीं, ये चीज़ हम स्टूडेंट से बात करने के बाद ही बता रहे हैं। आपको पता चल ही गया होगा, स्टूडेंट मेरे कॉन्टैक्ट में काफ़ी सारे जेएसएससी जेई वाले छात्र, ठीक है, तभी तो डेली एनालिसिस करवा पा रहे हैं, वरना कहाँ से करवा पाते डेली एनालिसिस, हम समझ सकते हैं आप लोग इस बात को, ठीक है। तो देखते हैं और सिविल वाले देख लेते हैं कौन सा कटअप है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किए होंगे तो, ये बहुत बड़ा आपके लिए चैनल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी यदि सिलेक्शन आदि हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई अभी एग्जाम दिए होंगे उसमें तैयारी कीजिएगा बढ़िया से, और क्या कर सकते हैं। लेकिन सिविल वालों के लिए बहुत अच्छा मौका था, यहाँ पर इतना अच्छा सीट था, और हालांकि पिछला बार हो गया रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि सिर्फ झारखंड के लोग ही भरे थे उस टाइम, पता ही होगा आपको शायद, तो जहाँ कंपटीशन उस टाइम पर कम था, अब ओपन फॉर ऑल कर दिया तो शायद कंपटीशन बढ़ गया। खैर अब बढ़ गया तो बढ़ गया, कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है, आपके हाथ में वो है नहीं, लेकिन पिछला बार हो गया रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता है, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं दोस्तों क्या है आज का कटअप, मतलब कटअप क्या होने वाला, सेफ स्कोर मतलब क्या बोल सकते हैं आपको। देखिए दोस्तों, जितने लोग से बात किए हैं तो एवरेज स्कोर उन्होंने बता रहा है पेपर वन में 65 से 80 के बीच में, उन्होंने बता रहा है सही। देखिए दोस्तों, कुछ लोग ये भी बोलेगा अभी आंसर के आने दो, आंसर के आने की बात नहीं है, यदि आप तैयारी जन किए हैं बढ़िया से और एग्जाम देकर आ रहे हैं तो आपको पता चलता है, डेफिनेटली पता चल जाता है कि आप कितना स्कोर लाने वाले हैं, ठीक है। तैयारी किए तो आप पढ़ेंगे ही तो बोलेंगे आंसर किया गया तब मिलाएंगे, तो वैसे नहीं होता, ठीक है। मान लीजिए आंसर की दे दिया, पीजीटी जिस तरह दिया, लेवल असिस्टेंट का दिया, तो फिर क्या कीजिएगा, सिर्फ आयोग का आंसर था, आपका आंसर नहीं था, तो फिर क्या कर लीजिएगा आप। लेकिन एग्जाम देने के बाद लड़का लोग को पता चल जाता है, जो तैयारी करता है उसको पता चल जाता है कि मेरा इतना नंबर आने वाला है, बस दो चार क्वेश्चन पाँच मतलब दो चार नंबर आगे पीछे हो जाता है, कोई बात ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। रेंज तो यहाँ दिया हुआ है ना, तो 65 से 80 के बीच में लोगों को सही लगभग हो रहा है पेपर वन में, ठीक है। और पेपर टू 85 से 100 के बीच में इतना इतना हो रहा है, ठीक है, जरूरी नहीं 85-90 तक भी सही हो जा रहा है तो काफ़ी है। तो इतना मतलब बात करने से ये लग रहा है, तो इससे आइडिया देखा जा रहा है कि कटअप आपके हिसाब से जाना चाहिए दोस्तों। अरे जनरल कैटेगरी में 420 से 450 तक जाएगा, ठीक है, 420 से 450 तक। लेकिन थोड़ा सा जनरल कटअप थोड़ा सा हमको थोड़ा शक पे है, थोड़ा देखते हैं इसको, हम एक्सपेक्ट एग्जैक्ट नहीं बोल सकते इसको, लेकिन देखिए क्या होता है। लेकिन ओबीसी 410, 420, 400 तक भी है, तो आप सेफ स्कोर में चिंता नहीं करना, आपको सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का 390-400 के बीच में होना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एसटीएससी सर 300 तक आपका नंबर आ रहा है, 360, 350, 340। अभी नॉर्मलाइजेशन का खेल ये देखिए, रॉ मार्क्स है, ठीक है, ये भी रॉ मार्क्स का ही, अभी नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है, अब पता नहीं किसका नॉर्मलाइजेशन कितना बढ़ेगा, लेकिन 9 मार्क्स इतना आपके आ रहे हैं दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है, क्योंकि सिविल में ब्रांच इतना कटअप इससे कम नहीं आएगा, इससे ज़्यादा भी जाएगा, क्योंकि सीट बहुत अच्छा था, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला, कम ही जाएगा, इससे आगे नहीं जा सकता, ये बात तो तय है। कितना ज़्यादा स्टूडेंट ज़्यादा स्टूडेंट बैठा हुआ है, 1 लाख में कितना बैठा हुआ, मतलब 40,000-50,000 सिविल के बच्चे बैठे होंगे, मान लीजिए 30,000-40,000 मान लीजिए ना, तो उसमें से 1200-1500 सीट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कहने मतलब ये कटअप एग्जैक्ट है, बस थोड़ा सा जनरल का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन काफ़ी है, 420-450 काफ़ी है, ठीक, हो सके 460 हो जाए अलग बात है, लेकिन ओबीसी ईडब्ल्यूएस एसटीएससी कटअप लगभग हूबहू देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। बाकी एक बार आंसर किया जाएगा तो उससे आइडिया लग ही जाएगा, ठीक है। हालांकि आंसर किसी मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम देने के बाद पता चल ही जाता है कितना नंबर आपका आने वाला है और कितना सही करके आए हैं, क्योंकि तुक्का थोड़ी लगाना होता है वहाँ पे, तुक्का कुछ क्वेश्चन लगाना होता है, तो काट कूट के बता रहे हैं ना, हालांकि अटैम्प्ट तो किया 120 जैसे यहाँ बताएं, जैसे कहाँ गया ये वाला देखिए, जैसे बता रहे हैं यहाँ पे कि देखिए ये वाला यहाँ तो 110-115 लोग किए, यहाँ पे भी 110-100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, लेकिन आपको एवरेज बता रहे हैं 65-85 एवरेज स्कोर बता रहे हैं, इसलिए बोल रहे कटअप इसके आसपास रहने वाला, चिंता नहीं करना आपको, देख लीजिए इतना आपको लग रहा आ जाएगा तो शायद आप जेई बनने वाले हैं झारखंड में, ठीक है, जेई बढ़िया पोस्ट है, सारे चीज़ से बढ़िया है, ठीक है। मान लीजिए एसएससी जेई भी करते हैं, देखिए आप ऑल इंडिया में कहीं भी दे देगा, लेकिन अपना राज्य में जैसे झारखंड का स्टूडेंट मान लीजिए और झारखंड में जेई बन जा रहे, तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता आपको, ठीक है। इसलिए ये कटअप आप लोग है और बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आपको कटअप बढ़िया लगा होगा, आप कमेंट जरूर बताइएगा कि इससे आगे भी जा सकते हैं या फिर नीचे आपके हिसाब से, क्योंकि शायद आप हो सके कि आप उस क्या बोलते हैं उसको सर्वे में आप पार्टिसिपेट नहीं किए होंगे शायद, तो अपने हिसाब से जरूर बता दीजिएगा क्या इस एग्जैक्ट आ ही रहेगा या फिर थोड़ा बढ़ेगा या फिर इससे ज़्यादा जा सकता है, ठीक है। तो जरूर कमेंट करके बताइए, देखते हैं क्या होता है आइडिया। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सीजीएल एग्जाम भी देने वाले हैं आप लोग, तो ये चैनल को देखते रहिएगा, फट टच में रहिएगा, जैसे जेई में आपको फायदा मिला वैसे ही आपको सीजीएल में जरूर फायदा मिलेगा, ये हम गारंटी दे सकते हैं आपको, ठीक है। बाकी समय आएगा तो बताएंगे, अभी कुछ नहीं बताएंगे आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।